स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो एएनएम की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर एएनएम की ट्रेनिंग करने वाले हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको नर्सिंग करने के बाद जॉब की चिंता नहीं करनी है, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के साथ ही सरकार के द्वारा जॉब दे दिया जाएगा। इसी के बारे में तो वीडियो को डिटेल्स चर्चा करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि झारखंड सरकार के कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, ये प्रस्ताव क्या है कि अब जो सरकारी कॉलेजों से जितने छात्र छात्राएं नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग करेंगे उन्हें सरकारी अस्पतालों में 1 साल तक सेवा देना जरूरी है। जानी जितने भी अभी ट्रेनिंग में है या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं यानी प्रशिक्षु नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 1 साल तक अपने हॉस्पिटल में सेवा देना आवश्यक है। तो इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे का होता क्या था कि वे लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग करते थे और नर्सिंग की ट्रेनिंग करने के बाद खुद से जॉब ढूंढना पड़ता था या फिर सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना पड़ता था। तो ऐसे में क्या होगा, अब जैसे ही आप लोग नर्सिंग प्रवेश परीक्षा देते हैं, प्रवेश परीक्षा देने के साथ ही आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा और उस बॉन्ड में ये लिखा रहेगा कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात 1 साल की सेवा सरकार को देंगी, जिसमें एएनएम का जो मानदेय है वो 10,000 रुपये मिलेंगी प्रति महीने की, साथ ही जीएनएम को 12,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें नर्सिंग की जो पोस्ट है उसको आउटसोर्सर्स से यानी एजेंसियों से भरा जाता था। ऐसे स्थिति में क्या होता था कि बच्चों को घूस देना पड़ता था, यानी कुछ पैसे देने पड़ते थे तब उसमें नौकरी लगती थी। कोई माने या ना माने, बहुत ही कम छात्र छात्राएं ऐसा है जो अनुबंध पर नौकरी कर रहे हैं एजेंसी के थ्रू से और वो बिना पैसे दिए उनको नौकरी मिली है। ठीक है, ये एक कटु सत्य है। लेकिन अब जो है जैसे ही बॉन्ड भरा जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आप नर्सिंग करते हैं, चाहे एएनएम करें चाहे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करें, बीएससी नर्सिंग का भी फिलहाल इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग एएनएम और जीएनएम के बारे में ही जिक्र करेंगे कि ट्रेनिंग जैसे आपका एडमिशन होता है उस समय आपको एक बॉन्ड भरा लिया जाएगा और बॉन्ड भराने के बाद आपसे 1 साल तक सेवा ली जाएगी। 1 साल तक क्या सेवा ली जाएगी, तो आपकी नर्सिंग की सेवा आप जिस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल में ले ली जाएगी। अभी फिलहाल हमारे झारखंड राज्य में 300 एएनएम के प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं, साथ ही 120 जीएनएम के छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि जीएनएम में छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप आज का जो कैबिनेट में पास हुआ है उसके बारे में। तो प्रशिक्षु नर्सों को 1 साल अस्पतालों में देनी होगी सेवा। राज्य सरकार के नर्सिंग संस्थानों से प्रशिक्षण लेने वाली नर्सों को 1 साल तक सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। इसके लिए नर्सिंग कोर्स में नामांकन के समय ही प्रशिक्षुओं को बॉन्ड भरना होगा। एएनएम को 10,000 वो जीएनएम को 12,000 रुपये मानदेय मिलेगा। बॉन्ड का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सदर अस्पतालों में कुल 10 एएनएम वो जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष 300 एएनएम तथा 120 जीएनएम का नामांकन किया जाता है। वही अस्पतालों में 8,385 वो जीएनएम के 4,276 कर्मियों की जरूरत है, यानी 8,385 8,385 एएनएम की आवश्यकता है अभी सरकारी अस्पतालों में। तो आप लोगों के लिए जो करियर का एक सुनहरा मौका मिल सकता है कि इतनी ज्यादा सीट खाली है, 8,000 सीट खाली है और जीएनएम की 4,276 सीट खाली है, जिसमें आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। अब हम कह रहे हैं सर इसमें लाभ क्या है, नुकसान की बात हम बाद में करेंगे। तो लाभ यह है कि आपको ट्रेनिंग करने के पश्चात ही जॉब मिल जाएगी।
और एक बार अगर आपको 1 साल के अनुबंध में रख लिया गया तो आपकी अनुबंध जो है वो एक्सटेंड होती रहेंगी, यानी उसका समय को बढ़ाया जाएगा, आप लोगों को काम से नहीं निकाला जाएगा 1 साल के बाद, आप लोग कंटिन्यू काम कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 1 साल के बाद ही छोड़ पाएंगे, 1 साल के पहले अगर आप छोड़ देते हैं तो इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, यानी 1 लाख रुपए का तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर आपको उसी दौरान सरकारी नौकरी हो जाती है तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा, है ना। सरकार ने ये प्रावधान भी कर रखा है कि 1 साल आपको सेवा देनी है, उस दौरान आपकी नौकरी हो गया तो आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना है, ठीक है। अब नुकसान की बात करें, देखिए नुकसान की बात यह करें कि आप लोग अनुबंध में 1 साल तक काम करना पड़ेगा, चाहे आपको कोई भी हॉस्पिटल ज्यादा सैलरी में आपको ले जाना चाहते हैं या फिर नौकरी में रहना चाहते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में, और आपने अगर सरकारी कॉलेज से ट्रेनिंग ले रखा है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही 1 साल की सेवा देनी होगी, इसके पश्चात ही आप दूसरे किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी ही है, आप लोगों के लिए अच्छा बात ही है। हमारे एबी एकेडमी दुमका 2023 में होने वाले नर्सिंग की जो परीक्षा है, यानी जेसीईसी ईवी के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है सरकारी कॉलेजों के लिए, उसकी तैयारी शुरू करा दी गई है। अगर आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास मात्र 1499 रुपये में दिया जा रहा है, कोर्स कंप्लीट, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एवं मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। साथ ही अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं हमारे दुमका में आके, तो आपको 3000 रुपये में पूरी कोर्स कंप्लीट करा दी जाती है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ रहने के लिए हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, आप चाहे तो हमारे हॉस्टल में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एबी एकेडमी दुमका का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तब उससे भी कोर्स ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, साथ ही हमारा ऑफिशियल नंबर है 9546036623। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 9546036623। इस नंबर पे आप संपर्क करके किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका। मैं एक बार फिर से एड्रेस रिपीट कर देता हूँ, एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका। यहाँ पर भी आके आप हमारे ऑफिस में भेंट कर सकते हैं या फिर अपना कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आवश्यक सूचना, अगर कोई भी बच्चे जो ANM नर्सिंग कौशल कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस हमारे द्वारा दी जाती है, बैचेस स्टार्ट हो गई है, आप चाहे तो ANM नर्सिंग कौशल कॉलेज की भी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आपकी फीस वही रखी गई है, ऑफलाइन मात्र 3000 रुपये में है और ऑनलाइन कोर्सेस मात्र 1499 रुपये में दी जा रही है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, या तो पर्सनली कमेंट करके दिया जाएगा अथवा वीडियो बनाकर आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो जितने भी नए छात्र हैं, नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।